औरैया जिले के थाना दिबिया पर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र निर्माण फैक्ट्री का भांडा फोड़कर अवैध शस्त्र बनाने में प्रयुक्त उपकरण सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र वही कानपुर के निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम के पर्यवेक्षण में थाना दिबियापुर पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सीओ सिटी महेंद्र प्रताप सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी दिबियापुर मुकेश बाबू चौहान के नेतृत्व में थाना दिबियापुर पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर थीरपुर अड्डा के पास स्थित झोपड़ी में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन होते हुए पकड़ा है। वह पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से मिले अवैध शस्त्र कारतूस कलपुर्जे व शस्त्र बनाने की प्रयुक्त उपकरण तथा बाइक बरामद करते हुए विधिक कार्रवाई की है। ये कानून व्यवस्था के दृष्टिगत चुनाव को सकुशल कराने के लिए लगातार सभी थाना अध्यक्षों को और सभी सीओस को निर्देश दिए जा रहे थे कि अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर सघन कार्रवाई की जाए। इसमें लगातार इंटेलिजेंस गैदर करके भी कार्रवाई की जा रही है। तो इसी क्रम में आज रात में रात्रि गश्त के दौरान एक सूचना प्राप्त हुई कि एक धीरपुर अड्डा जो थाना दिव्यापुर क्षेत्र में पड़ता है, इसमें एक झोपड़ी के अंदर एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री चल रही है, जिसमें अगर घेर कर दबिश दी जाए तो एक अभियुक्त दो अभियुक्त मिल सकते हैं। इसमें जब दिव्यापुर पुलिस ने इस सूचना पर सीओ सिटी के निर्देशन में दबिश दी तो धर्म सिंह पुत्र मेवालाल राजपूत जो निवासी तेजपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात का रहने वाला है, वर्तमान में ये धीरपुर अड्डा में ये एक झोपड़ी बनाकर अवैध शस्त्र फैक्ट्री चला रहा था और इसका बेटे की भी सूचना थी जो वर्तमान में वांछित है और सूचना पे जाने से पहले वो मौके से फरार हो गया था। इसमें जब इसको अरेस्ट किया गया तो मौके से 10 बने हुए शस्त्र अलग अलग बोर के और 4 अर्धनिर्मित शस्त्र और काफी भारी मात्रा में शस्त्र बनाने की सामग्री और जो औजार हैं वो सभी प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त 12 इसमें अलग अलग बोर के जिंदा कारतूस और खोखे भी बरामद हुए हैं। जो गिरफ्तार अभियुक्त है धर्म सिंह, इसका पूर्व में आपराधिक इतिहास जनपद औरैया और कानपुर देहात दोनों के ही 4 मुकदमे हैं मिला के। इसमें अच्छी कार्रवाई करने के लिए जो गिरफ्तार करने वाली टीम है उसको 25,000 का पुरस्कार घोषित किया जा रहा है।